तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसको, ये हमारा जो ईट मैक्स का ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन का मतलब इसके नट बोल्ट ढीले करेंगे और इसको खोल के इसके अंदर देखेंगे कि इसमें अंदर क्या है दोस्तों, इसमें कितनी बड़ी बैटरी रखी हुई है और क्या क्या सिस्टम इसके अंदर है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। और हम इसको खोलना शुरू कर दिए हैं और अभी आप लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर, इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर क्या है। और दोस्तों एक ख़ास बात और, मैंने इसे आज ही मंगाया था ऑनलाइन और ये मेरे पास पहुंचने के बाद मैंने इसे बजाने के लिए पावर ऑन किया तो ये ऑन नहीं हुआ, तो हमने इसके नट बोल्ट ऑन करने का मूड बना लिया। और दोस्तों जब तक हम इसके स्क्रू ढीले कर रहे हैं तब तक आप लोग भी एक काम कर लें, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो नया वीडियो बनाने के लिए मेरा मन नहीं करता, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो जल्दी जल्दी लाता रहूं और आपको नई नई जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और इसमें एक कोने में स्क्रू वाला साइड इसका टूटा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों ये रहा हमारा 8 इंच का स्पीकर जो कि ब्लूटूथ स्पीकर है। और दोस्तों इसमें मुझे बैटरी अभी तक नहीं दिखी है कि कहाँ पर रखी है, चलो उसको भी देखते हैं कहाँ पर रखी है। दोस्तों मुझे लगता है इसकी बैटरी इसके प्लेट में रखी है जो कि ऊपर से खोलने पर दिखेगी, तो चलो दोस्तों इसको भी हम खोल लेते हैं और देखते हैं इसकी बैटरी कितनी बड़ी है और कहाँ पर रखी है। तो दोस्तों हमने इसको खोलना स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा वेट करो, बस अभी खुल जाएगा। तो दोस्तों इसके सारे स्क्रू मैंने खोल लिए हैं और अब देखिए, ये मैंने इसके प्लेट को भी हटा दिया है और इसमें ये दो सेल दिख रहे हैं जो कि प्लेट को हटाने पर, और इसकी ये दोस्तों ब्लूटूथ प्लेट रही। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों है, इसमें सिंपल सा ही है। ये दो बैटरी लगी हैं दोस्तों, ये बैटरी 1200 mAh की एक है और दो हो गई तो 2400 mAh की दोनों हो गई। और दोस्तों बैटरी देखने के बाद हम इसे फिर उसी तरह कस देते हैं जैसे खोला था, तो हम इसको फिर से वापस कस रहे हैं। तब तक इसमें हमें दोस्तों क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं वो बता दूं आप लोगों को। तो दोस्तों नंबर वन पे ये इसमें दोस्तों है वॉल्यूम बटन, जो वॉल्यूम बटन से ही इसे पावर ऑन ऑफ किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें माइक का भी सिस्टम दिया है, इसमें माइक भी लगा सकते हो, उसके लिए अलग वो सिस्टम दिया गया है माइक लगाने का सॉकेट। और दोस्तों इसको हम चिप से बजा सकते हैं, मेमोरी कार्ड से बजा सकते हैं और ऑक्स केबल से भी बजा सकते हैं। और दोस्तों इसमें यूएसबी से भी बजा सकते हैं, मतलब जो चिप रीडर होता है उससे बजा सकते हैं। और इसमें बटन्स भी दिए हैं कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों माइक का वॉल्यूम घटाने बढ़ाने के लिए भी बटन दिया है साइड में, जहां पर दो बटन एक साथ में हैं। और दोस्तों इसमें LED डिस्प्ले दी गई है जिसमें गाने की इंफॉर्मेशन दिखती रहती है प्ले करने पर। और दोस्तों इसमें एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है साथ में, हम उससे भी इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके सारे स्क्रू हमने कस दिए हैं और अब दिखाते हैं इसके बैक का व्यू। तो दोस्तों इसके बैक में कुछ इस तरह से हमें व्यू मिलता है, मतलब बैक में देखने पर स्पीकर कुछ इस तरह से इसका है। और ये दोस्तों 8 इंच का है जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। और इसमें LED भी लगी हैं, ये दोस्तों जब हम बजाएंगे तो इसकी LED RGB मतलब कई कलर की जलती हैं, ब्लिंक करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
और दोस्तों इसमें जो साइड का वो टूट गया था स्क्रू जिसमें हम कसते हैं उसको हम फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। और मेरे पास फेविक्विक रखा हुआ है तो इसको हम अभी चिपका देंगे, ये देखिए, और देखते हैं ये अच्छे से पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। तो दोस्तों हमने फेविक्विक ले लिया है और इस पे लगा रहे हैं और इसको रख दिया है फेविक्विक उसमें लगाकर, फिर से इसको सेट कर दिया है और टाइट दोस्तों हो गया है सेट करने पर, ये अब उखड़ेगा नहीं और ये मजबूत भी हो जाएगा। और दोस्तों एक मेन बात और बता दूं आप लोगों को, दोस्तों जब ये मेरे पास आया था तब मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की थी दोस्तों, वो ये थी कि मैंने इसको ऑन करने के लिए जब वॉल्यूम बटन को घुमाया तो दोस्तों वो पहले से ही ऑन थी। तो मेरे हिसाब से तो यही दोस्तों, ये ऑन ही रखा हुआ होगा बहुत दिनों से, इसीलिए इसकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है, जो चार्जिंग करने के बाद भी चार्ज नहीं हुई। तो इसमें दोस्तों और कोई कमी नहीं है, इसमें सिर्फ बैटरी की कमी है, इसमें बैटरी बदल दी जाए नई पड़ जाए तो ये बहुत अच्छा काम करने लगेगा। तो दोस्तों मैं इसमें बैटरी चेंज कर दूंगा और उसके बाद इसको देखूंगा कि ये बजता है या नहीं बजता है। वैसे तो नुकसान तो मेरा हो ही चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इसमें बैटरी के अलावा और कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है। बैटरी चेंज करके देख लेता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये दोस्तों 100% काम करेगा। और दोस्तों आप लोगों से भी गुजारिश है, कोई भी सामान लें उसको अच्छी तरह से चेक कर लें और तभी लें, और अगर ऑनलाइन लें तो उसको दोस्तों कोई भी दिक्कत हो उसको रिटर्न मार दें तुरंत, उसको चेक करें बजाएं या ओपन करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत करे तो 7 दिन के अंदर रिटर्न हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसको आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे रिटर्न नहीं करूँगा, मैं इसको बजाऊँगा। दोस्तों ये हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा इसी तरह के नए नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो। दोस्तों इस चैनल पर हम टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग एंड रिपेयरिंग वीडियो डालते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब मी। थैंक यू।